मुकद्दस में से तलावत करेंगे जबूर 30 उसकी चौथी आयत। खुदावंद की सिताइश करो ऐ उसके मुकद्दसों और उसके कुदस को याद करके शुक्रगुजारी करो। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें इस बाबरकत दिन के लिए, उसकी हजूरी को, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि बेशक वो अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान यहाँ पर मौजूद है। हर एक की आंखें बंद हों और हर एक के लब उसके हजूर खुले, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम उसके हजूर आए हैं मेरे अजीजों, हम सब इस मकसद के लिए उसके हजूर इकट्ठे हुए हैं कि उसके नाम की मदासराई की जाए और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। हर एक के लब उसके हजूर खुले, अपने दिलों का हाल उसके सामने खोल दे, क्योंकि उसके कान आपकी दुआ की तरफ लगे हुए हैं और उसकी आंखें आपको देख रही हैं। कदूस मेहरबान जलाल के बादशाह बाप आसमानी खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ इस बाबरकत दिन के लिए खुदावंदा कि तू अपने हजूर लेकर आया अपने लोगों को। खुदावंदा तूने यहाँ पर इकट्ठा किया खुदावंदा इस जगह को और यहाँ पर बैठे एक एक भाई को, बहन को, अपने आप को खुदावंदा तेरे पाक कीमती लहू की कसरत में दे देते हैं खुदावंदा। और मिन्नत और इल्तजा करता हूँ जलाल के बादशाह के इबादत के शुरू से आखिर तक तुम्हारा मददगार, हमारा मुहाफिज, हमारा रहनुमा रहना, अपने पाक रूह के वसीला से तुम्हें गाइड करना खुदावंदा, तक जिस तरह तू चाहता है उस तरह हम मिलकर खुदावंदा रूह से, सच्चाई से, दिल से और अक्ल से तेरी प्रस्तुत और इबादत करने वाले बने खुदावंदा। खुदावंदा मैं अपने भाई को खुदावंदा जो तेरा परस्तार है खुदावंदा, बेशक यहाँ पर सब बैठे तेरे लोग खुदावंदा तेरे परस्तार हैं और तेरे चुने हुए लोग हैं और तेरे खून खरीदे हैं खुदावंदा, तेरे पाक लहू की कसरत में दे देता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदावंदा कि तू हमारा राग और हमारा जोर बनना खुदावंदा, ताकि हमारा खुदावंदा गाना और बजाना तेरे हजूर कबूल ठहरे खुदावंदा। जितनी जाने तेरे हजूर आ चुकी हैं मैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंदा, जो रास्ता में खुदावंदा मिन्नत करता हूँ बाहिफाजत अपने लोगों में लेकर आ खुदावंदा, मेरी बड़ी मदद करना ताकि मैं जमात को अच्छे तरीके से लीड कर सकूं, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं खुदावंदा। मिन्नत और इल्तजा करता हूँ कि अपने लोगों को अपने पुरों के साया के नीचे महफूज रखना खुदावंदा। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तशरीफ रखें। प्रस्तुति का आगाज करते हैं जबूर पहले से। वो धन है जो नमन दा सलाह शरीरा दी सबको आता है, कोशिश कीजिए सब मिलकर जबूर को गाएं तालियों से और लबों से उसके नाम को इज्जत को चलाएं। हालेलुया। Oh,
कि मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठा वालों की मजलिस में नहीं बैठता। बेशक जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं और शरीर की राहों से बात रहते हैं तो हम उसके हुजूर मुबारक हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें, एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और मैं पास्टर साबर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए तो इस दुआ में हमारी राह नुमाई करें। बात दिल और दिल की गहराई साथ तेरे शुक्र गुजार है तेरे फजल और रहम के लिए, तेरी बरकतों और बख्शिशों के लिए और वो सारी की सारी चीज़ें जो तूने वापस मानी गाय बगाए वक्तन फक्तन मायूसियत से औकात से मुकत से बढ़ कर गुजश्ता याम वक्त घड़ी लम्हा और पहर में दी और वापस मानी आज हमें ये वक्त घड़ी लम्हा ये पहर फिर बख्शा कि हम तेरे हजूर में आए जी जान के साथ तेरी सताइश में शुक्र गुजारी में परस्तिश पर बढ़े तेरे नाम को जलाल दे तेरी खुशनुदी को हासिल करे तेरे कवानीन पर चले तेरे हुक्मों को माने और तेरे मुँह की मुझी बातों पर अमल पैरा रहे। बाप उन कामों को छोड़ कर चले जाए जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, उन कामों में आगे बढ़े जो तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक है और बाप दिन दुगनी रात चुगनी तेरे नाम में जलाल में कलाम में कुदरत में कामों में नतश में शुक्रगुजारी में परस्तिश में बढ़े और तेरे जिंदगी बश कलाम से सीखे और लाइक तौर पर तेरी हजूरी में मामूरी में तेरे फजल और रहम में बढ़ते फलते और तरक्की करते चले जाए। जो तेरे बेटे बेटियां आ चुके हैं तेरे शुक्रगुजार है और जो रास्ते में उन्हें भी लेकर आ ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दें तेरी खुशनुदी को हासिल करें तेरे कवानीन पर चले तेरे हुक्मों को माने और तेरे मुँह की मीठी बातों पर अमल कर रहे और हमारी जिंदगी से सारा का सारा जलाल तेरे ही यीशु नाम को मिले। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु का जलाली नाम लेके मांगता हूँ। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हों, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, सब अपने आप को बंद करें। अगर आप कलाम के लिए भूख और प्यास लेकर आए हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितने रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो सब असूदा किए जाएंगे। अगर आज आप उसके हजूर भूख और प्यास और तड़प लेकर आए हैं, जैसे जबूर कहता है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा के कलाम की भूखी और प्यासी है। अगर मेरे अजीजों आप भूख और प्यास लेकर उसके हजूर आए हैं तो मैं ईमान रखता हूँ कि आप उसके हजूर से खाली नहीं जाएंगे, बल्कि आपके बर्तन आपकी कुपियाँ आज उसके हजूर से लबरेज होकर जाएंगे। हालेलुया। सब अपने लिए दुआ करें, खुदा के ममसू के लिए दुआ करें कि खुदा आज कसरत से अपने खादिम को आपका शोला बनाकर जमात की रूहानी बेदारी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। भाई के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे और उसी कोर्स में हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कीजिए और शुक्रगुजारी अपने खुदा के हुजूर पेश कीजिए। आपको खुदा जो आसमान पर है और अपने कॉल के मुआफिक नाम की अपनी सदाकत की खातिर आपके हमारे दरमियान में उसी खुदावंद को याद कीजिए और उसकी शुक्रगुजारी के लिए आपको खुदावंद आपको कसरत से बरकत देने के लिए तैयार है। इससे पहले वो आपको हम सबको बरकत से नवाजे, इससे पहले वो हमारी शुक्रगुजारियां कबूल करे, अपने आप को खाली कीजिए, अपने आप को उसकी खुशबू देखें और से
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज फिर से खुदा उसको उतारते हुए उतारते हुए कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक आज हमारी तरफ से वो हमारे लिए संकट है, वो हमारी आल और सिर पर है, वो हमारी मुआफ़त कर सकते हैं। उसी नाम की शुक्रगुजारी कहिए मेरे साथ, हम आवाज हो कर जैसे पहले कि खुदा आपसे हमसे कलाम के वसीला से अपने खादिम के वसीला से कलाम करें, बात करें, उस कलाम को पुकारिए, उस नाम को पुकारिए। खुद से कहिए खुदावन मुझे तेरी जरूरत है और मैं यीशु के बिना कुछ नहीं, मेरी जिंदगी है तू, कहिए समेत तेरे खादम के तेरे हाथ में सौंपते हैं। अब हम कलाम के लिए तैयार हैं, हमसे बात करिए, सुन लो, तशरीफ रखें। हम मैं दावा देता हूँ खुदा के खादिम को गवाहें, हम खुदा के खादिम के लिए खुदा के जनाब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। लेकिन थोड़े ही वक्त में खुदा हमसे बात करना चाहते, खुदा जो है वो बहुत कुछ अयां करता है जब वो कलाम करता है। अपने जो है वो तवज्जो के लिए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, जो जबूर है 118 और उसकी 22वीं आयत। The stone which the builders rejected, जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया, has become the chief cornerstone. वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। See some of the stones which is rejected by the builders. और देखें जो पत्थर है जिसको मामार रद्द कर देते हैं, the stones which is useless for the making building. और ऐसा पत्थर जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए नाकाफी होता है। But when we come to the Jesus, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, it will be we are also like a worthless people. हो सकता है हम भी जो है वो बेकीमत लोग हैं। But when you come to the close to the God, लेकिन जब आप खुदा के करीब आ जाते हैं, he never tell you you are the rejected one. तो फिर वो आप नहीं कहता कि आप रद्द किए गए शख्स। Yes, my God can make the rejected one to the blessing. क्योंकि मेरा खुदा जो है वो रद्द किए हुए को बरकत देना चाहता है। So he can make it nothing, he can make it abundance. और जो कुछ भी है, जो बिल्कुल कुछ नहीं होता, वो सब बरकत कर देता है। So the when you come to the Jesus, जब आप यीशु मसीह के साथ आते हैं, you don't want to reality about your life. तो फिर आप अपनी जिंदगी की हकीकत के बारे में नहीं जानते। You don't want to look what kind of the weakness you have in your life. और आप नहीं जानते कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। What kind of the sins you did in your life, you don't want to care about it. और जो आपने जिंदगी में गुनाह किया, आप उन्हें अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहते। Might be the people who are around you, they are telling, might be you are the useless man. हो सकता है जो लोग आपके चारों तरफ हों, वो कहते हो कि आप तो बेकीमती आदमी हो। But my God, he can able to the exchange. लेकिन जो मेरा खुदा है आपकी कमजोरी को बदलने की कुदरत रखता है। Whatever you have, just come with the Jesus. जो कुछ आपके पास है उसी को साथ लेकर यीशु मसीह के सामने आए। He can give the exchanges with what you have. और जो कुछ दिया है खुदा उसको तब्दील करेगा। In this world we have one rules. इस दुनिया के अंदर एक असूल पाया जाता है। So whatever the old ones you have in your life, जो कुछ आपकी जिंदगी के अंदर पुराना हो जाता है, you have the old gold in with you. और वो कहते हैं कि ये पुराना जो सोना है, go to the jewelers.
और जब आप सुनारे के पास जाते हैं they give the exchange for it. तो फिर वो उसको तब्दील कर देता है. They take your old things and give the new things to you. वो आपसे पुरानी चीजें ले लेता है, उसके बदले में आपको नई चीजें देता है. So whatever the amount you have, जो कुछ रकम आपके पास होती है, worthful thing they will replace for you. और वही जो चीजें जिनकी कीमत कम होती है उसको वो बदल के दे देते हैं. This world have such rules. इस दुनिया के अंदर इस तरह का जो असूल पाया जाता है. But with my God also have the one kind of the exchanges. लेकिन मेरा जो खुदा उसके पास भी इस तरह की एक तब्दीली है. My God also can able to exchange of the life. वो मेरा जो खुदा वो भी आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है. But his exchange life is nothing. It's better. It is something. Better than in this world. और जो मेरा खुदा की जो जिंदगी में तब्दीली है, दुनिया की तब्दीली से मुख्तलिफ है. People before going to exchange something, they will check the worth of that. लोग इससे पहले कि जब चीज को तब्दील करने के लिए जाते हैं तो खरीदार उसकी वैल्यू को चेक करता है. But my God, he doesn't want to check the worth of that. लेकिन जो मेरा खुदा है वो उस चीज की कीमत को चेक नहीं करता. यशायाह चैप्टर 16, जो यशायाह उसका 60 बाब 17 यू कैन रीड, और उसकी 17वीं आयत. सातवां बाब और उसकी 17वीं आयत. ये सारा 60 बाब. किसी के पास बाइबल नहीं है? मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा और मैं तेरे मुंह को सलामती और तेरे आलमों को सदाकत बनाऊंगा. एक्सचेंज ऑफ माय गॉड. ये है खुदावंद हमारे खुदा की तब्दीली. सो इंस्टेड ऑफ द ब्रोंज ही विल गिव द गोल्ड. और जो पीतल है उसके बदले आपको सोना देगा. Instead of the iron, he can give the silver. और जो लोहा है उसके बदले आपको चांदी देगा. Instead of the wood, he will give the bronze. और जो लकड़ी है उसके बदले वो आपको कुछ कीमती चीज देगा. So my God have such exchanges. हमारा खुदा उसके पास इस तरह की तब्दीली. What kind of the exchanges you are looking for in your life? आप किस तरह की तब्दीली अपनी जिंदगी के लिए देख रहे हैं? My God can able to give the exchanges whatever you want. जो भी आप चाहते हैं मेरा खुदा आपकी सोच के मुताबिक आपको तब्दीली दे सकता है. You comes with the weakness, God will give the strong. अगर आप कमजोरी लेकर आए तो खुदा आपको मजबूत करके वापस भेजना चाहता है. You come with the sick, God will give the healing. और अगर आप बीमारी की हालत में हैं तो खुदा आपको शिफा देकर वापस भेजना चाहता है. Whatever the exchanges you want, जिस तरह की तब्दीली आप चाहते हैं. Whatever the worthless things you have in your life, just come with the Jesus Christ. और आप किसी के अंदर किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज जो बहुत सस्ती है उसको लेकर यीशु मसीह के सामने आ जाए. Miracle God. मेरा जो खुदा है वो मौजजा करने की कुदरत रखता है. He can do the miracle in your life. आप किसी की मैं मौजजा कर सकता है. Even the James chapter 1, जो याकूब उसका पहला बाब, the Bible says, बाइबल मुकद्दस बयान करती है. If any of you lack wisdom, अगर आप में से किसी के पास हिकमत की कमी है, let him ask of God, तो खुदा से कहिए. He gives to more generous to give it. वो आपको फ्याजी से देने के लिए की कुदरत रखता है. He doesn't want to reproach you. वो जो है वो आपको आपकी जो दरखास्त को हर्ट नहीं करेगा. He doesn't want to punish you. वो आपको कभी सजा नहीं देगा. So you are comes with your heart. अगर आप अपने दिल के साथ आते हैं. So you tell the God, I am the weak, I am the sinner. तो खुदा से कहिए कि मैं कमजोर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ. Some areas in my life, I am a weak man. मैं अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों के अंदर बहुत कमजोर हूँ. So I don't want to tell anything something about my life. मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकता. I have nothing in my life. मैं कुछ नहीं जिंदगी के बारे में मेरी कोई भी अपनी अहमियत नहीं है. Things in my life, I am the shortest. और मेरी जिंदगी में बहुत सारी कमी पाई जाती है. I do not receive any blessing in my life. मैं जिंदगी में बहुत बार बरकत हासिल नहीं करता. I do not have such a talented in this world. और उस दुनिया के अंदर रहने के लिए मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है. Those who are surrounding me, they are also telling you are the worthless man. और जो लोग मेरे चारों तरफ वो कहते हैं कि तू तो जो है वो सस्ता शख्स है. So many people, they are telling, I am the useless man. और कहते हैं तू बेकार आदमी है. But God says, लेकिन खुदा कहता है, if you have about lack of anything, अगर आपकी जिंदगी में किसी किस्म की भी कमी पाई जाती है, comes with me and ask, मेरे पास आइए और कहिए. With faith, if you ask, I will ready to give the exchange. और अगर आप ईमान से कहेंगे तो आपको मिल जाएगा. If people are telling you are the fool,
अगर लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ हो comes with the God as a fool. और खुदा के सामने अपनी बेवकूफी को लेकर आइए God give the make you as a wise man. और मेरा खुदा आपको अकल देने की कुदरत रखता है so whatever shortage you have in your life, आप किसी के अंदर जो भी कमी पाई जाती है comes with the God, he will make it. और खुदा के सामने आ जाइए वो उसको पूरा करेगा Maybe you are people are rejected you to give the blessing in your life. हो सकता लोग आपको रद्द कर सकते हो कि आपकी जिंदगी में तो कोई बरकत नहीं है Nobody wants to trust you. कोई आप पे एतबार ना करता हो wants to trust and give the responsibility in your life aur koi bhi aapko izzat karke aapko koi zimmedari nahi dena chahta still god want to trust you lekin phir bhi khuda aapke upar aitbaar karta hai as if you come as a rejected man he god doesn't want to reject aur agar aap rad ki woh shakhs aur khuda ki huzuri mein aate to khuda aapko kabhi rad nahi karega might be the family members they might reject you ho sakta hai aapke khandan ke log aapko rad kar de by seeing your weakness might be with the whole relative they will reject your life aur ho sakta hai aapki kamzori ko dekh do aapke tamam rishtedar aapko chhod de my god will never reject your life lekin mera khuda kabhi aapko rad nahi karega one man we will see from the bible hum ek shakhs ki story jo hai wo kahani bible se dekhte hain judges chapter 11 judges chapter 11 aur qazaat ki kitab aur uska 11th bab verses 1 aur uski pehli ayat now jappat the one man whose name is jappat yahan pe jappat ek shakhs hai lekin he was a mighty man of the valour aur jo wo ek bada bahut bada surma tha see he was like a great warrior और जो बहुत बड़ा जंगजू था दिस मैन हैज सच अ वेरी टैलेंटेड मैन और उस शख्स के अंदर बड़ी काबिलियत पाई जाती है बट ही वाज द सन ऑफ द हर्लेट लेकिन वो एक कस्बी का बेटा था सी दिस फर्स्ट वर्ड्स इज टेलिंग जो पहले अल्फाज हैं वो ही वाज द ग्रेट वॉरियर वो बहुत जंगजू था द नेक्स्ट वर्ड्स ही टॉक अबाउट द वीकनेस और जो दूसरा जो अल्फाजों का दूसरा हिस्सा उसकी कमजोरी को पेश करता है टेलिंग ही इज द सन ऑफ द प्रोस्टिट्यूट और लोग कहते हैं वो एक कस्बी का बेटा है ही हैड ए unbearable pain he has in his life aur uske sir ke andar bahut is tarah ke lafzon ka dukh paya jata hai some of the situations in your life you have such a things ho sakta hai aapki zindagi ke andar kuch aise halaat mein aapke sath bhi aisa ho even you have the talented in your life aap zindagi mein bade kabil shakhs ho people they try to find some weakness and telling that one lekin log aapki zindagi mein aapki kamzori ko dhoondte hain aur is tarah ki baatein karte hain everybody knew Jappat is a very talented man he is a great warrior aur sab log is shakhs ke bare mein jante hain ki bahut jo hai ye kabil aadmi tha aur bada hi jangju tha the same people they are telling he is the son of the prostitute lekin wahi log uske charon taraf jahan usse kehte hain ki ye kasbi ka beta hai this is the mistake is not belonging to him ye jo galti hai usse talak nahi rakhti because of his father he became the prostitute son of the prostitute aur uska baap jo tha aur uski maa ki ye galti thi so what happened in him lekin kya uske sath hua in the same family he had some other brothers with him aur uski usi khandan ke andar uske dusre behan bhai bhi the the bible says bible muqaddas yo kehti hai then his wife sons grew up और जब उसके जो है बेटे जब बड़े हुए जवान हुए ड्रव द जप्पा आउट फ्रॉम द होम तो फिर उन्होंने इसको घर से निकाल दिया यू शॉल हैव नो इनहेरिटेंस इन योर फादर और उसे कहा कि तुम्हारे बाप के घर में जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है यू आर द सन ऑफ द अनदर वुमन तू किसी दूसरी औरत का बेटा इवन दिस मैन हैव द टैलेंट इस शख्स के अंदर चाहे कितनी भी काबिलियत हो सो ही हैज समथिंग टू गेट द हैव अ राइट्स टू गेट द इनहेरिटेंस blessing from his father lekin wo apne baap ki jo virasat hai usse mehroom hai even he has the rights to receive something from his father uske paas haq hai ke apne baap ki malkiyat se kuch le but the other brothers what they did in his life lekin dusre bhaiyon ne uski zindagi andar kya kiya by telling his weakness they kicked him out from the home unhone uski kamzori ko dekhte use ghar se nikal diya by they tell him you are get out from my home aur use kaha ki tum hamare ghar se nikal jao might be he just went out from the home ho sakta wo ghar se nikal gaya ho he had too much pain in his life uski zindagi mein bada dukh ho some of the situations you are also feeling such a thing ho sakta aapke halaat ke andar bhi kabhi kabhar aap is tarah ka dukh ko mehsoos karte hain rejections comes might be because of some other reasons aur bahut sari cheeze hain jo aapko rad karne ke liye duniya mein aati hain uski wajah aapko jo hoti hai might be the reason of the rejection not it is not belong to your rad kiye jane ki wajah aap nahi hai so some other reasons koi aur wajah ho sakti hai but god wants to bless your life lekin khuda aapko barkat dena chahta hai so what happened in the Jappat life uski zindagi mein kya hua so many years he spent the time with the worthless people aur bahut bar wo jo hai bekar logon ke sath din guzarta raha see verses 3 says aur teesri ayat mein likha hai the worthless man bonded together with the Jappat और वो जो 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 लोग थे वो उसके साथ जुड़ गए सो बाइबल सेज बाइबल कहती है ही किक आउट फ्रॉम द होम उसने उन्हें घर से निकाल दिया नाउ व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ लेकिन कब इसकी जिंदगी में क्या होता है वर्थलेस पीपल जॉइन विद हिम जो बेकार लोग हैं उसके साथ शामिल होते हैं इवन टुडे वी हैव सच अ फीलिंग इन आवर लाइफ आज हमारी जिंदगी में भी इस तरह कुछ ऐसा साथ है व्हाई गॉड पुट मी इन दिस सच अ सिचुएशन खुदा ने मुझे क्यों इस तरह के हालात में छोड़ दिया है सो मेनी थिंग्स जस्ट यू हैव फेसिंग सच इश्यूज इन योर लाइफ आप किसी के अंदर इस तरह के बहुत सारे
सारे इशू हैं जिनको आप फेस करते हैं। Might be you are 5 years you do not have a job in your life। हो सकता है 5 साल से आपके पास काम ना हो। So you are thinking I am wasting my time। और आप सोच रहे हो कि मैंने अपना वक्त जाया किया है। As a 5 years, 6 years I do not have a baby in my life। और हो सकता है 6 साल से मेरी जिंदगी के अंदर कोई औलाद नहीं है। My marriage life is a waste of time। और मेरी जो जिंदगी है शादी वाली जिंदगी ये वक्त जाया करने वाली बात है। I am wasting my time। मैंने अपना वक्त जाया किया है। Worthless time I am facing in my life। और फिर जो बेकार जो है जो वक्त मैंने गुजारा है। But whatever happened in your life, लेकिन क्या जिंदगी में हुआ है? God wants to bring the blessing for you. खुदा आपके लिए बरकत लाना चाहता है। That is why sometimes God allows us a worthless time for you. और इसलिए खुदा कभी कभार बेकार वक्त आपकी जिंदगी में लेकर आता है। God is the healer we know by reading the Bible. और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा शिफा देने वाला है। How you get the experience about that? और आपने इस बात का तजुर्बा किया है? If you have the sick in your life, अगर आप जिंदगी में बीमार हैं, God give the miracle. खुदा मुजजा करता है। And by your own mouth we can say my God is the healer. और जब अपने मुंह से कहते हैं कि मेरा खुदा शफा देने वाला है। Not only reading the word of the God. ये सिर्फ खाली बाइबल मुकद्दस पढ़ने की वजह से नहीं है। We are going to practice the whatever we written in the Bible we have to experience on that. लेकिन जो कुछ बाइबल में लिखा है हम उसका तजुर्बा भी करते हैं। We have to keep the faith in our life. और हम जिंदगी में ईमान रखते हैं। I am not only go to the church. मैं सिर्फ चर्च नहीं जाता। I am not only going to reading the Bible. और ना सिर्फ बाइबल ही पढ़ता हूँ। Whatever the blessing I read in the Bible that has to practice in my life. और बल्कि जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा हुआ उन सारी बरकत की मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। Whatever the worthless time you are facing in your life. और जो कुछ जिंदगी के मैंने बेकार वक्त गुजारा। God wants to make it as a worth. खुदा जो है उसे कीमत बना रहा है। Whatever the times you are wasting in your life. जो वक्त आपने जिंदगी में जाया कर दिया है। God wants to make it as a worth. खुदा उसे कीमत भी करना चाहता है। Exchange God wants to give in your life. इस तरह की तब्दीली खुदा आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। Comes with the faith. ईमान कैसा था? You don't want to worry about your worthless times. आपने जो वक्त बेकार गुजरा उसके लिए परेशान मत हो जाएंगे। You don't want to worry what happened in your past. जो कुछ आपके माजी में हुआ उसके बारे में परेशान मत हो जाएंगे। Might be people are telling you are the rejected man. हो सकता है लोग कहते हो कि आप रद्द किए हुए आदमी हो। People, such good people, they don't want to talk with you. और हो सकता है इस तरह के लोग आपसे बात भी ना करना चाहते। Might be people are thinking you are the cursed man. हो सकता है लोग कहते हो कि आपकी जिंदगी के अंदर लानत है। They don't want to even spend the time with you. हो सकता है आपको वक्त भी आपके साथ खड़े हुए लोग भी इस तरह के बाइबल के सुरमा की जिंदगी वो भी इस तरह की थी। वर्थलेस पीपल बैंडेड विद दिस मैन। और जब फिर जब बेकार लोग थे उसके साथ जुड़ जाते हैं। वर्थलेस टाइम गॉड मेड हिम टू लाइक सम प्रैक्टिसिंग हिज लाइफ। और जब उसका वक्त बेकार होता है खुदा उसे इस तरह के तजुर्बे से गुजारता है। जो कुछ गुजर गया after a time that the people of Ammon, और उसके बाद जो अमून के लोग हैं made war against the Israel, इसराइल के खिलाफ जो जंग करते हैं the people of the Israel, they rejected this man. और जो इसराइल के लोगों ने इस शख्स को रद्द कर दिया था। The same people now what they doing, और फिर वही लोग क्या कहते हैं when the people of Ammon made war against the Israel, जब अमूनी जो है वो इसराइल के खिलाफ जंग करते हैं the elder of the Gilead, और फिर जो उनका जो बुजुर्ग है went to get the Jabbok, और जपा से कहता है फ्रॉम द लैंड ऑफ द टॉप, उस जमीन के अंदर दे सेट टू द जपा, वो उससे कहते हैं कम बी आवर कमांडर, और आ जाओ हमारा सिपा सलार बन जा। सी माय गॉड हैव सच ए एबिलिटी टू डू दिस थिंग्स इन योर लाइफ। मेरा खुदा उसके अंदर जो है वो ऐसी काबिलियत पाई जाते हैं तो वो इस तरह की जिंदगी में करता है। The people they rejected this man, जो इसराइली उसे रद्द करते हैं। The people they said you are the worthless man, वही लोग जो कहते हैं कि तू बेकीमत शख्स है। Now the same people they come back to this man, और वही लोग वापस उसके पास आते हैं। So you are the great warrior, और कहते हैं तू तो जंग जंगजू है। Be a commander for us, हमारा सिपा सलार बन जा। So people of the enemy they want to occupy our land, और क्योंकि दुश्मन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। Come to save our life, और आ जा हमारी जिंदगी को बचा ले। So we will accept you, you are the commander, और हम तुझे कबूल करते हैं, तू अच्छा सिपा सलार है। We want to work under you, हम तेरे अंडर में काम करना चाहते हैं। You we cannot fight against these people, क्योंकि हम लोगों के खिलाफ लड़ नहीं सकते। Now we need your calendar, हमें तेरी काबिलियत अभी चाहिए। So no more you are the worthless man, और तू आज के बाद जो है बेकार आदमी नहीं है। Now we feel you are the worthy, we need to fight against these people, तू जो कीमती शख्स है हमें तेरी जरूरत है ताकि तू दुश्मनों से लड़ सके। So what happened, क्या हुआ? He what he said, क्या उसने क्या कहा? So Jephthah said to the elders of the Gilead, और फिर उसने उन बुजुर्गों से कहा did you not hate me,
क्यों तुम मुझसे नफरत नहीं करते? Expel me from their father's house. और फिर तुम मुझे भाम से घर से निकाल दिया. Why have you come to me? Now when you have the क्यों मेरे पास आए हो? So when they have the problems in their life, जब उनकी जिंदगी में मसले आते हैं, so even this man asks the questions. तो फिर ये जो शख्स सवाल पूछता है, you are the one rejected me. तुमने मुझे रद्द किया था. You are the one kicked me out from the house. तुमने मुझे घर से निकाल दिया था. Now why you come to see me? क्यों मुझे मिलने के लिए आए हो? Such a questions he asks these people. इस तरह का सवाल वो पूछता है. Sometimes it happens. It will be going to happen in our life. इस तरह आपकी जिंदगी में भी कभी कभार होता है. Even the chapter 60, Isaiah chapter 60. और जो अभी ये साया उसका बाब हम देखते हैं, सेव 14 वी कैन रीड, उसमें 14वीं आयत में हम देखते हैं, द सन्स ऑफ दोस हु अफ्लिक्टेड यू, उर्दू कैन स्पीक 14 सर, और तेरे गारत गरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे, और तेरे तकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे, और वो तेरा नाम खुदावन का शहर इसराइल के कुदूस का सियोन रखेंगे। Because of the situations people are making affliction on you. हो सकता है हालात की वजह से लोग इस तरह आपके साथ करते हों। They will, but God says the same people come back and forgive to you. लेकिन खुदा कहता है वही लोग आपके पास वापस आएंगे। So you are have such a affliction in your life. और इस तरह की जो है वो जिंदगी में आपकी तब्दीली आएगी। It comes with the affliction with the God. आप खुदा के सामने चीज को लेकर आए। My God says those who make the affliction against you. मेरा खुदा कहता है जो भी आपके खिलाफ चलेगा, I will going to bowing down before you. मैं उसे आपके सामने झुका दूंगा। The people who is kicking out you, जो लोग आपको निकालना चाहते हैं, the same people come back and ask the help from you. वही लोग आपके पास वापस आएंगे और आपसे मदद तलब करेंगे। The people who said you are the worthless man, वही लोग जो आपसे कहते हैं कि आप बेकार शख्स हो, the same people going to tell you are the worthful man. वही लोग आपके पास वापस आएंगे, आपसे कहेंगे कि आप तो कीमती शख्स हो। So many weakness might be you have in your life. बहुत सारी इस तरह की कमजोरी आपकी जिंदगी के अंदर पाई जाती है। Family problems. हो सकता है खानदानी मसले हो, might be about your job. हो सकता है काम के मसले हो, so many afflictions. I don't know what kind of things. बहुत सारी जो मसाइल आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं. But my God, if you come with the God, अगर आप मेरा खुदा है, अगर आप उसके सामने आते हैं, God will change your affliction. तो फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर सब चीजें बदल सकता है. God can able to give you the strength instead of your weakness. और खुदा जो आपको जिंदगी में जो आपकी कमजोरी आपको वहां मजबूत बना सकता है. God can able to give the blessings instead of the curses. और खुदा लानत के बदले आपकी जिंदगी में बरकतें ला सकता है. Instead of the worthless things, God can give the worth. आपकी जिंदगी में जो बेकार चीजें हैं, खुदा उनको कीमती कर सकता है. Such a worth God wants to give in your life. इस तरह की जो है वो कदरों कीमत खुदा आपको देना चाहता है. Don't need to worry people what they talk against you. इस चीज से परेशान मत हो जाइए, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं. Might be in the Japat Japat lifetime they people are talking against him. हो सकता है इस शख्स की मर्द खुदा की जिंदगी के अंदर भी लोग इस तरह की बातें करते हैं. Kicking him out and telling him son of prostitute. और लोग उसे बातें करते हैं और कहते हैं ये तो किसी कस्बी का बेटा है. But in the same society God bring them back and make them as a command. लेकिन उसी मुआशरा के अंदर खुदा उसे वापस लेकर आता, उसे उनका से फैसला करवा देता. No need to worry about the past things in your life. जब जिंदगी में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. Even today you feel like a worthless timing you are facing right now. हो सकता है आप महसूस करते हो कि आप इस वक्त जिस वक्त में चल रहे हैं आप इस वक्त बेकीमत हो चुके हैं. So no need to worry about that. लेकिन इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. So comes with the faith. ईमान के साथ आइए. Comes with the afflictions in my life. अपने जिंदगी में वो चीजें लेकर आइए खुदा के सामने. Come with the weakness with the God. कमजोरियां खुदा के सामने लेकर आइए. God will want to give the exchanges in my life. तो खुदा आपकी जिंदगी में उन चीजों को तब्दील करना चाहता है. By using you, God wants to make you like a great warrior for you. और खुदा आपको इस्तेमाल करके आपको बहुत बड़ा जंगजू बनाना चाहता है. God, if you come with the faith, God wants to use you for many purpose for him. अगर आप ईमान के साथ खुदा के सामने आते हैं तो खुदा आपको बहुत सारे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है. Might be you and yourself feeling I am the useless. हो सकता है आप खुद महसूस करते हो कि मैं तो बेकार हूँ. Same mind you come with the God. उसी ज़हन को उसी ख़यालात को लेकर खुदा के सामने. Yes, by the useless things will become the useful thing. क्योंकि खुदा बेकार चीजों को कीमती कर देता है. My God wants to do such a miraculous thing. खुदा इस तरह का चमत्कार आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है. By your speaking, God, so many people going to repent from their sins. आपके बोलने से बहुत सारे लोग गुनाह को छोड़कर तौबा की तरफ आ सकते हैं. No need to worry what people are talking against you.
और इस बात से परेशान मत हो ये लोग आपसे क्या कहते हैं। Be happy with the word of the God. खुदा के कलाम के साथ खुश रहिए। Be meditate the word of the God. खुदा के कलाम की जुबानी कीजिए। Keeping the faith with the word of the God. खुदा के कलाम पर ईमान रखिए। Great miracles God wants to do in your life. जिंदगी में बड़े-बड़े चमत्कार करेगा। Changes going to happen in your life. जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। What kind of the blessings you are expecting in your life? जो कुछ भी आप जिंदगी में तो चाहते हैं, Ask the God with faith. खुदा से ईमान के साथ मांगिए। God wants to do in your life. खुदा आपकी जिंदगी में सब कुछ करेगा। Just get up from your seat. अपने जगह से खड़े हो जाइए। Close your eyes, people pray. अपने आप को बंद कर आपके लिए दुआ करेंगे। So no need to care about what other people thinking about that. दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उस चीज का नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। What kind of the blessings you are expecting from the God? जो भी खुदा से आप आशीष और बरकत चाहते हैं। So might be it is worthless and useless. हो सकता है आप इसके लिए यूजलेस हैं, इसके लिए बेकार हैं। Might be your life have such a thing facing right now like that. हो सकता है इस तरह आप जिंदगी में मसाइल से दो चार हो। Right, open your mouth and ask the blessing. खुदा से पूछिए, खुदा से अपना मुंह को खोलिए। God make you strong in all your weakness. खुदा आपको अपनी हर कमजोरी में जो आप वो मजबूत खुदा जो हमारे आपकी जिंदगी के अंदर से तमाम लाते खत्म करके खुदा आपको जिंदगी से तमाम बेकार चीजें निकालना चाहता है। खुदा आपको जिंदगी में तब्दीली लेना चाहता है। इस तरह का मौजूदा खुदा अपने मुंह को खोलिए, खुदा से कहिए खुदा मुझे आशीष चाहिए। More trust these people. खुदा मैं इस दुनिया के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। I just keep full faith on the God. खुदा मैं तुझ पे मुकम्मल भरोसा रखूंगा। You are the God of miracles. क्योंकि तू मौजज़ा करने वाला है। He can do whatever I ask in my life. ओ खुदा जो कुछ मैं जिंदगी में कहता हूँ मेरे लिए कर। Give me a blessing in my life. मेरी जिंदगी में बरकत ले आ। God makes me like a witness for other people. खुदा मुझे दूसरों के लिए गवाही के लिए इस्तेमाल। So all the sorrows God want to rechange like exchange like a happiness in my life. ओ खुदा मेरी जिंदगी के अंदर तमाम जो दुख है उनको निकाल के खुशी में बदल। God has to turn all of my sin into the holiness. ओ खुदा तमाम गुनाह को खत्म करके जिंदगी में पाकीज़गी ले आ। I want so many exchanges in my life. मैं जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली चाहता हूँ। I surrender my life before you, Lord. Oh, खुदा मैं अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। With my weakness, I surrender my life. मैं अपनी कमजोरी को लेकर अपने को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। With my unholy things, I surrender my life. खुदा मैं अपनी नापाकी को तेरे सामने लाकर सरेंडर करता हूँ। Exchange my unholy into the holy things. Oh, खुदा नापाकी को पाकीज़गी में बदल दे। Do miracle in my life. मेरी जिंदगी में खुदा बा मौजा कर दे। God has to bring the blessing in my life. खुदा मेरी जिंदगी के अंदर बरकत लेकर आ। More curses in my life, Lord. ओ खुदा मेरी जिंदगी से लान तो खत्म कर दे। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. बड़ी अच्छी बात है। खुदा ने अपने कलाम को सीधा शाम तक शेयर की। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कलाम पर त्वचा करता है वो भलाई देखेगा। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन खुदा की भलाई उसकी रहमत सदा हमें रहेगा। आए हम भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे और उसी गीत के साथ आपके हथियार हो गए के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इस हदीये को अपने इंजील की बशारत के लिए इस्तेमाल करे और इस दुआ में हमारी राह में हमारी भाई शेयर करें। कदर मुफीद हमारे जिंदा बुजुर्ग शादी आसमान बाप तेरे बेटे अपने मुलर जी खुदा यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में यीशु के नाम में
यीशु का लहू लेकर तेरे फजल के पद के सामने आए हैं इस ईमान के साथ कि तू हमारा बाप और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। बाप तेरा शुक्र करते हैं यीशु के लिए, यीशु के लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कुदरत वाला नाम है, जिस नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलते हैं, जिस नाम से घोड़ी पाक साफ होते हैं, जो एक कुदरत वाला नाम है। रूहुल कुछ के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, बाप तेरे लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि तू कौमों का खुदा है लेकिन हमारा बाप है, तेरा इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप आज इस कलीसिया में आए, इस कलीसिया के लिए, इस कॉन्ग्रीगेशन के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो तेरी मर्जी से कायम हुई। यीशु के नाम में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस कलीसिया के साथ मिलकर। खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तू कादर मुतलक है, तू बचाने वाला है, तू छुड़ाने वाला है, तू आसरा है, तू सहारा है, और तू मुबारक है मेरे बाप जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है, और हमें जिंदगी में जो कुछ हमारी जरूरत होती है वो जरूरत को पूरा करता है। बाप तेरा शुक्र, तेरी हमन तेरी स्ताइश करते हैं तेरे इस कलाम के लिए जो तेरे बंदा के वसीला से सुना, और मेरे बाप तू अपने कलाम को नाजर फरमाकर हमारे जिंदगी के तमाम तारीख पहलुओं को कलाम की रोशनी में रोशन कर देता है। मेरे बाप तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी स्ताइश हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरे शुक्र करते हैं। और मेरे बाप आज मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ इस कलीसिया के साथ मिलकर, तेरे कलाम का वो हिस्सा इस कलीसिया में कसरत से पूरा हो कि यीशु ने कहा था कि तुमने तो यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। यीशु के नाम में इस कलीसिया में रूहुल कुद्स के बपतिस्मे आए, यीशु के नाम में रूहुल कुद्स कसरत से इस कलीसिया पर नाजल हो। और बाप यीशु ने यह भी कहा था कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजल होगा तो तुम कुवत पाओगे, यरूशलम तमाम यहूदिया सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और मेरे बाप हम तेरे गवाह तब ठहरते हैं जब रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं। शैतान के सारे मंसूबे, तारीकी की सारी कुफ्तें जो इस कलीसिया के खिलाफ हैं, आज यीशु के नाम में उन्हें बांधते हैं और हुक्म देते हैं दूर चले जाओ। यीशु के नाम में इस कलीसिया से बहुत से नबी रसूल मुबशर उस्ताद और चरवाहे पैदा हों, तारीकी की सारी कुफ्तें इस कलीसिया से दूर चली जाए और तेरा कलाम इस कलीसिया में पूरा हो यीशु के नाम में। रूहुल कुद्स आए, कसरत से आए, शैतान के मंसूबे फेल हो जाए, शैतान शर्मिंदा हो जाए। बारा कोलो रबा तीरिया का मामा स्वरिगा लबा त्वरी का जोरी पा यीशु का पावती लोरो का पा मानस हो लिबा तो बना तो चिंता का पा लोरो का हिमलिया तो यीशु के नाम में शैतान के मंसूबे फेल हो गए। जीडिया कोलो का बीना को तारीखी की कुफ्ते चली गई, रिबरा तो लिमा तो चिंता का बाला लोको पारा चिन्ना हिमारो गोरो। ए शैतान तेरा यहाँ पर कोई हक नहीं है, यहाँ से यह यीशु की जमात है, यीशु का बदन है। लबा तोरियन का बाबा सोरो को लोरो को हिमा तो लोरो को सी बाबा को लोरा का बाबा यीशु के नाम में रूहुल कुद्स यहाँ पर नाजल हो। यह कलीसिया रूहुल कुद्स की तहरीक में चले, यहाँ से खादम पैदा हो। और खुदा बाप यीशु के नाम में ये डिसाइपलशिप जो शुरू की है इन भाइयों में बहनों में यकानगत की रूह पैदा कर, तमाम किस्म के तफरके जुदाइयां लीपी खोलो जिंतो कबो दूर हो जाए और ये एक दिल होकर एक जहन होकर बिल्कुल एक जबान होकर तेरी खिदमत करें। और शैतान के मंसूबे तारीकी की कुफ्ते जो एक दूसरे को दूर करती हैं तफरके पैदा करती हैं लीपी खोलो जिंतो कबो दौरो को हम मतोलो छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में रूहुल कुद्स की आग यहां पर ताज़ल हो। और खुदा बाप आज यीशु के नाम में सब बहनों पर भाइयों पर मैं यीशु का लहू मांगता हूं, यीशु के लहू पाक लहू आ, यीशु के लहू पाक लहू आ, जो जिस किसी की जरूरत है यीशु के नाम में। खानदानी जो ऐसे जबरे लड़ाइयां हैं उन पर यीशु का लहू आए,
खुदा बाप तफर के जुदाइयों को खत्म कर दे। और मेरे बाप आज यहाँ पर जो बे औलाद जोड़े हैं वो आज यस्सु के नाम में उन्हें खुशखबरी मिले, वो औलाद पाए यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में उन्हें औलाद मिले, यस्सु के नाम में उन्हें औलाद मिले। रूहुल कुदस अभी बे औलाद जोड़ों को छू ले, यस्सु के नाम में छू ले, यस्सु के नाम में छू ले, और शैतान के मनसूबे जो उनके खिलाफ हैं वो छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, दूर हो जाएं। आज से यीशु के नाम में तेरा काम उनकी जिंदगियों में भी पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में हमने दिल से गाया, कलाम सुना, मेरे बाप तेरी रहनुमाई हमने देखी, तूने हमें गाइड किया। और खुदा बाप जिन्होंने तेरे दिए में से हदिया डाला, अपने हाथ आगे बढ़ाया, मेरे बाप मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ, अपना आसमान उन पर खोल, अपनी मुट्ठी उन पर खोल, किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। उनके खानदान जो यहाँ पर हैं, उनके खानदानों को जो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, बरकत दे। उनके रुपए पैसे में यहाँ पर बरकत डाल और अपना कसरत का मसा उनको दे। सबसे बढ़कर मेरे बाप जो बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनको अपनी पहचान बख्श, यीशु के नाम में पहचान बख्श दे, यीशु के नाम में पहचान बख्श दे, यीशु के नाम में पहचान बख्श दे। अपने कलाम के गहरे भेद इन पर नाज़िल कर। तेरे कलाम में लिखा है, तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि वो किताबे मुकद्दस को समझ सकें। कोई हम तेरे जब तक तू अपनी कुदरत नाज़िल ना करे, तू हमारे ज़हनों को ना खोले, तो हम नहीं समझ सकते। मेरे बाप यीशु के नाम में ज़हनों को खोल दे और हमें अपनी खास पहचान बख्श दे। यीशु के नाम में ये कलीसिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती जाए, रुपए पैसे की नहीं, फाइनेंस की तमाम किस्म की कमियां कमजोरियां दूर कर दे। और इस कलीसिया में यीशु के नाम में तेरा जलाल जाहिर हो। सब जो बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं या जो आज नहीं आए, उन सब पर तेरा कसरत का जलाल जाहिर हो। ये सारे जमीन की इंतहा तक, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ पर रहते हुए, बल्कि जमीन की इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे और तेरी गवाही लम्हा 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 ये तेरी मोहब्बत का दावा करने वाले हों, लम्हा बा लम्हा और चलते फिरते तेरा कलाम शेयर करने वाले हों। ऐसा इनको अपना शागिर्द बना दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ली को 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 लाभा तो को 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये सारे तेरे गवाह फैले आज नए दिनों के साथ, नए ज़हनों के साथ, नए ख्यालात के साथ ये वापस लौटे और यीशु के नाम में ये तेरे गवाह फैले, यीशु के नाम में ये तेरे गवाह फैले। ये बस में जाते हुए, राह चलते हुए तेरी गवाही दें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मेरा ईमान तुझ पर है मेरे बाप, तूने मैं डिक्लेयर करता हूं आज तेरे कलाम को, शिक्षा को डिक्लेयर करता हूं, फतह को डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। कोई भी निगेट करने वाला ना हो, बल्कि तेरी कलाम की सच्चाई को जानने वाला हो, सच्चाई के मुतलाशी हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मेरा ईमान है कि तूने, मैंने जो कुछ मांगा है, हमने जो कुछ तेरे हुजूर पेश किया है, तूने हम सबको कबूल किया है। और जो दुआएं की गई, जो हमदोसना की गई, जो कलाम सुनाया गया, वो मेरे बाप तूने कबूल किया। हमारी सुन ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनजी खुदा यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में मांगते हैं, आमीन। आप मीटिंग का बाकी सब इंतहर लेट करेंगे तो बचाओगे तो साम स्टेज पर हैं। आप सबको खुदा के कारण शुभेच्छाएं करते हैं, आपको बड़ी बरकत दे, मार्क रखे। हमारी रवायत है कि जो लोग नए आते हैं हम उन्हें सामने बुलाते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं। वक्त बहुत कम है, हमारे पास दो तीन मिनट हैं, तो भाई आप जरा सामने आए और मैं चाहूँगा कि फिर भाई इनके लिए दुआ करें। आप भी सामने आते हैं लोगों के लिए, आप आए सर, आपसे आप किस पर कसम आप भी पर सिस्टर जी आप भी सामने आते हैं, आप अपना तारवी की लिजम करवा दें। भाई आपका नाम इमरान, इमरान भाई जी, बच्चे भी सामने आ जाएं। बच्चे मैं मिसेस डेविड हूं, मेरा नाम फातिमा है और ये मेरे बेटे हैं बैनुल दे और हम से। सर आपको बड़ी बरकत दे जी भाई, आपकी दुआ करें ताकि खुदा शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा तेरे नाम के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, खुदा हम सब के लिए, खुदा हमें इस जगह पर इकट्ठा किया, खास तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं भाई इमरान के लिए, खुदावंद की वापसी के लिए, खुदावंद पाक खुदावंद अपने हाथों को संभाले रखा और खुदावंद अच्छी जॉब से नवाजा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उसके खानदान को
और आइंदा आने वाले दिनों को तेरे हाथों में सौंप के इसरा बहन को और इन दोनों बच्चों को और भाई को खुदावन भाई डेविड को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। तूने इनको बड़ी बरकत दे रखी है और खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज खुदावन इनका हमारे साथ होना बरकत का सबब ठहरा। खुदावन तेरी मेहनत करते हैं इनको कसर से बरकत पहुंचे। इनको इसी तरह अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए और अपनी शादमानी और खुदावन बिशार के लिए इस्तेमाल करिए। यीशु मसीह के नाम से। सबसे जो आज बात है वो खास बात यह है कि हम आज खाना यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि टाइम स्केड्यूल कुछ इस तरह बन गया था। हमारे रमजान के अंदर हर वक्त टाइम तब्दील होता रहता था। हमारा नॉर्मल टाइम है वो 3 बजे का है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चल रही है, आपको शाम को आना पड़ेगा 4:30 बजे, जिसके लिए हम माजर चाहते हैं, आज खाना नहीं होगा। अगले हफ्ते हम जरूर खाना सर्व करेंगे। और एक खास जरूरी बात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, यह है कि अगर आप चाहें तो क्या हम वक्त को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 3-3:30 बजे का टाइम ना तो ये दोपहर है ना ये शाम है, और इसमें बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग नहीं आए लेट होने की वजह से, उन्होंने कहा कि अगर हम अभी आएंगे, हम 6 बजे वापस जाएंगे तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकेंगे, तो 6 लोग जो वो मिस हो गए इस वजह से भी, और कुछ और प्रोग्राम भी थे जिसकी वजह से लोग नहीं आ सके। क्या आप लोग अगर दोपहर का टाइम रखें 1 बजे का या 1:30 बजे का, तो क्या लोग आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं? तो मसला तो नहीं टाइम के लिए। सर जी आप आ सकते हैं 1:30 बजे? जी फिर भाई आप भी आ सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम कोशिश करके कि इनसे बात करके आइंदा जो हफ्ता होगा हम लोग 1 या 1:30 बजे ये बात का आगाज करेंगे और 3 बजे ख़त्म कर दिया करेंगे, ताकि जो लंच यहाँ पे हम लोग गेट टुगेदर करते हैं वो बामकसद हो, क्योंकि ना वो दोपहर होती है ना वो शाम होती है, इसलिए टाइम जो ना वो कोशिश करेंगे कि हम 1 बजे आइंदा से ये बात किया करें। खुद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम आखिरी दौर करेंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे। और कोई ज़रूरी बात और कोई बात भाई करना चाहते हैं? चले अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को कुर्बान करें। माफ भी दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा बाप तूने फतह से बढ़कर गलबा अता किया। आसमानी बाप तेरे हजूर में गाया बजाया, तूने बरकत दी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे हजूर कलाम को सुना खुदा बाप, बरकत पाई, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम। खुदा बाप तेरे बंदा भाई फिलिप के लिए और पास्टर ओबन के लिए बरकत की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं यीशु के नाम से अपने खादमों को इसी तरह इस्तेमाल करता रहे, ताकि प्रस्तुत के वसीला से भी बरकत पाते रहे और कलाम के वसीला से भी खुदा बाप हमारी रूहानी तरक्की होती रहे। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर बात के लिए। जितनी भी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है खुदा बाप उन सब के लिए हम बरकत और सलामती चाहते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा बाप, ये चर्च तेरा है, हम ना तो इसके फाउंडर ना इसके चेयरमैन है। खुदा बाप तू ही फाउंडर है और तू ही इसका चेयरमैन है, तू ही इसका तेरा बेटा हमारा मुरजी खुदावंद यीशु मसीह जो है इस कलीसिया का सर है। खुदा बाप हम सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखा, एक दूसरे की बर्दाश्त करना सिखा, ताकि मिलकर खुदा बाप चले और कौमों उम्मतों तक तेरे कलाम की सच्चाई को ले जाने के लिए तेरा चुना हुआ सभा पर वसीना बन सके। हमारी बड़ी मदद कर, जितने लीडरशिप है सबको बरकत दे, जो अपने गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं खुदा उन्हें बरकत दे, जो फाइनेंस से चर्च को सपोर्ट करते हैं खुदा उनके लिए भी मदद चाहते हैं। बड़ी मदद कर फादर का, जिस तक तुम्हें आने में मदद की खुदा बाप जाने में भी हमारी मदद और रहनमाई कर, फिर मिलने के लिए भारी फजल अता, मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए हमें कायम रख। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्ज को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें समाप्त ना ला बल्कि रज़ा, कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा हमेशा तक इस मौजूदा हाजिर जमात के साथ और पूरी दुनिया के मसीही ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। ये बात खत्म हो चुकी है, एक दूसरे से मिलिए और चाय पीजिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।